सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर टूडे वीडियो। एंड यार आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग, जो कि आप यहां देख सकते हो काफ़ी कूल एडिटिंग लग रही है। सो अगर गाइस आपको भी इस तरह की फोटो एडिटिंग सीखनी है तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में मैंने बैकग्राउंड एंड जितने भी सारे PNG का यूज़ करा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जहाँ उससे पहले लिखा होगा स्टॉक्स बैकग्राउंड, सो उसके आगे में लिंक होगा, उसे प्रेस करके डाउनलोड कर लेना। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप हमारे चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना ये एडिटिंग आप लोगों को कैसे लगी। सो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेनी है एंड ओपन करने के बाद गाइस सिंपली आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है और ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको ऐड फोटो को प्रेस करना है और इस गर्ल PNG को ऐड करना है और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। एंड सेट करने के बाद सिंपली आपको इस प्लस आइकन को प्रेस करके ऐड फोटो को प्रेस करना है और इसके जो बाजू में आपको एक मॉडल रखना पड़ेगा, तो आपको इस एडिटिंग में दो फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। सो एक मॉडल को आपको इस तरह से सेट कर लेना है। तो मैं पहले से बैकग्राउंड इरेज कर चुका हूँ, सो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता गाइस तो इस वीडियो को देख लेना। सो इस वीडियो में आपको बताया कि आप कैसे इरेज कर सकते हैं अपने फोटो के बैकग्राउंड को, तो ये मेरा बेस्ट ट्रिक है गाइस, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका है और बहुत अच्छी क्वालिटी में फोटो सेव होती है। तो इस तरह से मैं बैकग्राउंड को इरेज करता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली इस इरेजर आइकन को प्रेस करके आप यहाँ इरेज कर सकते हो, बट उसमें ज़्यादा HD में होती है गाइस, इसमें उतना HD में नहीं हो पाती और अच्छे से इरेज नहीं हो पाता है। सो इरेज करने के बाद गाइस इस तरह के लाइन एक मतलब लाइन बन जाएगा। सो अगर आपको हटाना है, जैसे कि नीचे वाली में फैट तरीके से इरेज हुआ है उस तरह से आपको इरेज करना है, तो सिंपली इरेजर को प्रेस करना एंड सेटिंग कर लेना, मतलब साइज एंड ओपेसिटी और हार्डनेस को इस तरीके से रख लेना एंड इस तरह से आपको नॉर्मली इरेज करना है, मतलब लेफ्ट साइड में नहीं करना है, आपको नीचे पे करना है, जैसे कि यहाँ हुआ है उस तरह से आपको इरेज करना है। तो इसे बस नॉर्मली आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं है इस तरह से इरेज करने की। सो ओके, मैं बैक आ जाता हूँ एंड बैक आने के बाद दोनों मॉडल को मैं अच्छे तरीके से यहाँ से सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद फिर प्लस आइकन को प्रेस करेंगे एंड ऐड फोटो को प्रेस करेंगे और इसमें गाइस सिंपली आपको कार PNG को ऐड कर लेना है। तो ये रेड वाली को मैं लेफ्ट साइड पे रखूँगा एंड एक और PNG को ऐड करेंगे एंड इसे मैं सेट करूँगा राइट साइड पे। सो ओके गाइस, इतना करने के बाद गाइस आपको अपना मेन मॉडल को ऐड करना है, मतलब बीच पे खड़ा करना है। तो जैसे कि मैं अपना इस फोटो को ऐड कर रहा हूँ और इस तरह से सेट कर लूँ। सो इतना कर लेने के बाद सिंपली इफेक्ट्स पे जाना और सिंपली कलर्स को प्रेस करेंगे और यहाँ ब्राइटनेस को प्रेस करेंगे, देन इरेजर को प्रेस करके इस आइकन को प्रेस करेंगे और इसमें सिंपली गाइस सेटिंग को पहले चेंज कर लेना ड्रॉ की, ब्रश की, और इस तरह से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो अच्छे से मैं सेट कर लेता हूँ ब्रश की सेटिंग को। तो चलिए इसे जल्दी से मैं ड्रॉ करता हूँ, मतलब इसमें आपको चमक देनी है या थोड़ा सा लाइट देना है, जिससे थोड़ी आपकी फ़ोटो और अच्छी लगे एंड अपने स्किन को आप चमक देना बोल सकते हो, जो भी, जिससे हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी लगती है। सो ये हो गया, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ डन और अगेन डन करूँगा, देन अगेन प्लस आइकन को प्रेस करके ऐड को प्रेस करूँगा और इसमें सिंपली मैं फॉग वाली PNG को ऐड करूँगा। तो इस तरह से आपको सिंपली सेट कर लेनी है, सेट करने के बाद डन कर देना और ड्रॉ वाली ऑप्शन को ओपन करना एंड इसमें सिंपली अपना फ़ोटो को सेव कर लेना। सो इस तरह से आपको सेव कर लेनी है एंड बैक आना है एंड लाइट रूम आपको ओपन करना है। तो इसमें गाइस सबसे पहले आपको फ़ोटो को ऐड कर लेनी है जो अभी पिक्सआर्ट ऐप पे सेव किए थे। तो ऐड करने के बाद सिंपली आपको इस ऑप्शन पे आना है सबसे पहले, मतलब लाइट वाली ऑप्शन में, एंड इसमें आपको एक्सपोजर, हाइलाइट एंड शैडोस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने फोटो के हिसाब से, या फिर आप, मैं जैसे कर रहा हूँ उस तरह से आप भी कर सकते हो। इतना करने के बाद इस ऑप्शन पे आके सिंपली क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे एंड विनेट को माइनस कर देंगे। सो ओके, देन कलर वाली ऑप्शन को प्रेस करेंगे एंड इसमें मिक्स टैब को ओपन करेंगे और इसमें सिंपली गाइस आपको अपने फोटो के कलर के हिसाब से इसे कम ज़्यादा करना है, मतलब सेचुरेशन एंड लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कम करना है। तो अगर आपको नहीं आता गाइस लाइट रूम में यूज़ करना तो इस तरह फॉलो कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया कलर टूल्स का काम, तो इसे मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद गाइस आगे आ जाता हूँ इस ऑप्शन में एंड यहाँ थोड़ा सा और क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर लेता हूँ एंड लाइट वगैरह को अच्छे से देख लेता हूँ लाइट वाली ऑप्शन पर आके। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है एडिट, तो इसे मैं जल्दी से कर लेता हूँ सेव।